सर स्टूडेंट बात करते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल 5x - 4x स्क्वायर + 3 एट x = 0 एट x = - 1। हमें इस पॉलीनोमियल में वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, जहां पर x की वैल्यू 0 रखनी है, फिर x की वैल्यू को - 1 रखना है और देखना है कि क्या आंसर आता है। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम पॉलीनोमियल को लिख लेते हैं। ये कैसा पॉलीनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और ट्राइनोमियल कहेंगे इसको, तो क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म्स हैं और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो 2 जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वही क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है। तो साथ ही साथ हम पिछला भी रिवाइज करते चलेंगे और आगे भी चलते चलेंगे। तो सबसे पहले px मान लिया हमने पॉलीनोमियल है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ये पॉलीनोमियल है। अब हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो वैल्यू x = 0 को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट x = 0, हमने x को 0 रखा तो क्या आता है, देखो p 0, x की जगह पे 0 रखा तो हमारा पॉलीनोमियल बन जाएगा p 5 * 0, जहां भी x है वहां पे हम 0 से उसको रिप्लेस कर देंगे, आएगा 4 0 स्क्वायर प्लस 3। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 * 0 0 - 0 का स्क्वायर पहले होगा 0 और * 4 फिर से 0 प्लस 3, तो आंसर आ गया हमारा 3। यानी कि इस पॉलीनोमियल की वैल्यू एट x = 0 पे क्या है, 3। ठीक है, अब पार्ट 2 की बात करते हैं। एट x = - 1 तो हम क्या करेंगे, पुट x = -, ठीक है, तो यानी कि हमारा जो पॉलीनोमियल हो जाएगा वो हो जाएगा -1, 5 - 1 - 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये बन गया। अब 5 * - 1 - 5 हो जाएगा, सबसे पहले 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा और प्लस 1 * 4 क्या आ जाएगा हमारा माइनस 4 और प्लस 3, तो माइनस माइनस 9 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन माइनस का है प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया 6। ठीक है, समझ आया आपको कि कैसे हम पॉलीनोमियल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं जिसमें हम वेरिएबल की वैल्यू को पुट। अब देखो हमने इसको वेरिएबल, मैंने वेरिएबल समझाया था पहली क्लास में कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। तो देखो यहाँ पर वो इसका एग्जाम्पल भी है कि हमने पहले x = 0 रखा, यानी x की वैल्यू को 0 रखा, फिर उसी क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू को क्या रखा माइनस 1, यानी ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो रहा है, जिससे पहले 3 आया और फिर आया माइनस 6। तो आई होप समझ आया होगा आपको, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें बोला है फाइंड p0 p1 एंड p2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, p0 फाइंड करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था सेम टू सेम वैसे ही है, बस उसने लैंग्वेज चेंज कर दी है। यानी कि हमें क्या करना है, एक ही पॉलीनोमियल की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे क्या होगी वो फाइंड करनी है, यानी कि जब हमारे वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो आंसर क्या आएगा, जब हमारे वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो आंसर क्या आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है 3 बार, यानी कि हर बार वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले पार्ट 1 फाइंड करते हैं p0, ठीक है, तो p0 में हमारा ये हो जाएगा इज इक्वल टू, जहां भी हमारा वेरिएबल है वहां पर क्या आ जाएगा 1, आंसर आ गया हमारा 1, क्योंकि 0 0 हट जाएंगे और आंसर आ गया 1। जब हमारे वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पॉलीनोमियल का आंसर आएगा 1। अब चेक कर लेते हैं सेकंड में p1, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तब भी हमारा आंसर देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल और आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है,
तो इसमें भी आंसर आ गया हमारा वन। अब पी टू चेक कर लेते हैं, थर्ड पार्ट पी टू। तो जहां पर हमारा वाई है यानी वेरिएबल है वहां पर क्या आ जाएगा, टू। तो यह आ जाएगा टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन। तो टू का स्क्वायर करेंगे फोर माइनस टू और प्लस वन, फोर माइनस टू टू प्लस वन थ्री। तो आंसर आ गया हमारा थ्री, यानी कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग आ रही है, यानी हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है और हमारे पॉलिनोमियल की भी वैल्यू चेंज होती जा रही है। जैसे यहाँ पे जीरो था तो वन आया, वन था तो वन आया और टू था तो थ्री। ठीक है, इसी तरीके से हम और पार्ट भी कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू का एक और पार्ट लेके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है, एक और बार करके देखते हैं जिससे थोड़ा सा परफेक्शन आए और थोड़ी सी समझ ज्यादा आए। तो एक और पार्ट करते हैं इसका। इसमें हमें वही सेम टू सेम जो हमने फर्स्ट पार्ट में करा है, पहले पी जीरो रखना है, फिर पी वन रखना है, फिर पी टू रखना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे पुट पी जीरो। ठीक है, तो पी जीरो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पी जीरो इज इक्वल्स टू टू प्लस टी की जगह पे जीरो आ जाएगा प्लस टू जीरो स्क्वायर प्लस जीरो क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो टू जीरो हट जाएगा, जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो और इनटू टू फिर से जीरो और जीरो का क्यूब जीरो। तो क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। तो आंसर आ गया हमारा टू, यानी पी जीरो क्या फाइनल है हमारा। अब इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं, पी पुट पी वन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पी वन इज इक्वल्स टू टू प्लस वन प्लस टू वन स्क्वायर माइनस वन क्यूब। ठीक, अब टू प्लस में वन, वन का स्क्वायर करेंगे वन आएगा, इंटू टू करेंगे टू आ जाएगा, फिर वन का क्यूब करेंगे वन ही आएगा इंटू माइनस। ठीक है, अब देखो वन से वन यहाँ कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया हमारा फोर। अब बात करें थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें पुट पी टू करना है, यानी इसमें मैं इसे लाइन खींच देता हूँ जिससे डिफरेंशिएट हो जाए थर्ड पार्ट। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, टू पुट करना है तो आ जाएगा पी टू इज इक्वल्स टू टू प्लस टू टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब। देखो जहां भी वेरिएबल टी था वहां पे हमने उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिक कैलकुलेशन है, टू और टू फोर हो जाएगा, टू का स्क्वायर होगा पहले फोर, फोर टू जा फिर टू का क्यूब एट और एट कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आ गया हमारा फोर। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे हमें ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे करके इस तरीके के कई क्वेश्चन आ सकते हैं, दो मार्क्स तीन मार्क्स में भी आते हैं, तीन पार्ट हो गए तो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्शन हो जाएगी आपकी, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की, जिसमें बोल रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैट। हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है कि ये जो जीरोस दिए हुए ये इस पॉलीनोमियल के है या नहीं है। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि जीरोस क्या होता है, जीरो क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं जीरोस। ठीक है, अब इसने तो बोल दिया कि ये जीरोस इसके हैं या नहीं, तो ये जीरोस होते क्या है, जब हमें ये पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि ये जीरो इसका है या नहीं। जीरोस का एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू होती है, हमारे पॉलीनोमियल की वैल्यू होती है जीरो। जब जीरो की वैल्यू हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को पॉलीनोमियल में पुट करते हैं तो अगर हमारा आंसर जीरो आ जाता है तो वही उसका जीरो कहलाता है, यानी सॉल्यूशन कहलाता है। तो अगर यहां पर एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस वन बाय थ्री, तो अगर मैं इस वैल्यू को इस पॉलीनोमियल में पुट करूं और मेरा आंसर अगर जीरो आ जाता है
तो ये इसका जीरो कहलाएगा। अगर जीरो के अलावा कुछ भी आता है तो इसका जीरो नहीं होगा। तो चेक करते हैं, प्लस वन, हमने क्या करा कि x की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। अब चेक कर लेते हैं इसको सॉल्व करके, तो 3 से 3 कैंसिल एंड माइनस वन प्लस वन और आंसर आ गया हमारा 0। तो यस, x इक्वल्स टू माइनस वन बाय 3 इज द 0 ऑफ p। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा 0 आ गया, तो ये इसका 0 है। अगर आंसर 0 नहीं आता तो ये इसका 0 नहीं होता। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है x equals to minus 1 by root 3 comma 2 by root 3, यानी हम इस क्वेश्चन को दो बार चेक करेंगे कि क्या ये दोनों इसके जीरोस हैं या नहीं। एक बार चेक करेंगे minus 1 by root 3 को, फिर दूसरी बार चेक करेंगे 2 by root 3 को। तो फर्स्ट टाइम हम इसको चेक करने जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। तो पुट करेंगे हम x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 3, तो p माइनस 1 बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या करा, x की जगह पे माइनस 1 बाय रूट 3 को पुट कर दिया। आप देखते हैं इसके स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर, देखो दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया हमारा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया 0। अब इसका आंसर आ गया हमारा 0। तो ये इसका सॉल्यूशन यानी कि 0 है। अब करते हैं सेकंड पार्ट को, px is equals to 3x square minus 1 at, अब हम चेक करेंगे इसमें, put x equals to 2 by root 3, हम x equals to 2 by root 3 को put करेंगे इसके अंदर और चेक करेंगे क्या ये इसका 0 है या नहीं। तो p 2 by root 3 is equals to 3 minus 1। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 तो स्क्वायर होगा 4 by 2 का स्क्वायर 4 और root 3 का 3 minus 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 minus 1 is equals to 3। अब यहां पर आंसर आया 3, तो क्या ये इसका 0 हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया। जब आंसर 0 आएगा तभी ये इसका 0 कहलाएगा, अदरवाइज इसका 0 नहीं होगा। बस एक ही सॉल्यूशन है इसका, लेकिन 0 नहीं कहलाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा सेकंड क्वेश्चन से, और क्लियर हुआ होगा कि इसको कैसे करना है, कैसे जीरोस फाइंड करते हैं और किसे कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जीरोस को फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में हमें जीरोस दिए हुए थे और चेक करना था कि क्या ये जीरो है या नहीं है। अब हमें इसमें जीरोस को फाइंड करना है, तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन क्या है, पॉलीनोमियल है, इसका जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड का मतलब है कि इसका आंसर जीरो आ जाएगा, वही तो इसका जीरो होगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में या पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जीरो वही होता है जो इसको आंसर जीरो करते, यानी पॉलीनोमियल को पूरा जीरो बनाते। तो यानी कि इसका जो जीरो होगा वो इसको जीरो बना देगा। हम क्या करेंगे, px को करेंगे और px इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर वो जीरो है तो वो जीरो के बराबर जरूर होगा, आंसर इसका जीरो के बराबर जरूर आएगा। तो हम क्या करेंगे, px को जीरो के बराबर पुट करेंगे, तो px है हमारा x plus 5, हम इसको जीरो के बराबर लिखेंगे और यहां से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x यही रहेगा और 5 दूसरी साइड जाएगा अगर, तो 5 माइनस का हो जाएगा। एक्चुअली हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर, माइनस 5 ऐड करा देंगे, तो यहां 0 हो जाएगा और उधर माइनस 5 आ जाएगा।
तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस फाइव, यानी कि इसका जो जीरो है वो क्या है माइनस फाइव। क्यों? क्योंकि अगर मैं माइनस फाइव को इसके अंदर पुट करूं तो आंसर जीरो आ जाएगा, यानी कि इसका जीरो कह रहा हूं। एक और पार्ट लेते हैं, चेक करते हैं सॉल्यूशन। फिर से उसी तरीके से पी एक्स लिखेंगे आप, सी एक्स प्लस टी, सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका जीरो है वो क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो हम पी एक्स को जीरो में इक्वल रखेंगे, यानी कि सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जीरो। तो अब यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वही जीरो कहलाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा, डी को यहां से हटाएंगे, डी साइड में जाएगा, सी एक्स माइनस डी हो जाएगा, और यहां एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में ये आ जाएगा सी। तो एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी माइनस डी अपॉन सी, यही इसका जीरो कहलाएगा। क्योंकि अगर मैं एक्स की जगह पे माइनस डी अपॉन सी पुट करूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं। C की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, माइनस जी अपॉन सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और D से D कैंसिल, तो आंसर जीरो आ जाएगा, यानी कि इसका जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होगा माइनस जी अपॉन सी। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।